नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मेरा नाम है शेखर द्विवेदी। दोस्तों, खबर है अकबरुद्दीन ओवैसी को लेकर, जो हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ अपने बड़बोलेपन को लेकर, अपनी कट्टर भाषा को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, और इस बार उन्होंने क्या कहा है वो बताते हैं। दोस्तों, अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ चुका है। इस फैसले पर मुस्लिम पक्षकार एम सिद्दीकी ने पुनर्विचार याचिका दाखिल भी की है और जल्द ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी रिव्यू याचिका दायर करेगा। लेकिन इस बीच एआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये एक हकीकत है, चाहे वहां कुछ भी बने, वहां मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। और अब उनके इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। जानकारों का कहना है कि कोर्ट के, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, अकबरुद्दीन ओवैसी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वहां मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, जबकि कोर्ट ने साफ तौर पर अपने फैसले में कहा है कि वहां पर मंदिर को लेकर काम शुरू किया जाए। हालांकि दोस्तों, ये वही ओवैसी हैं जिन्होंने हिंदुओं के खिलाफ 15 मिनट वाला भड़काऊ बयान दिया था, जिसे एक बार फिर दोहराने को लेकर हैदराबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने को कहा था। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हद है। अकबरुद्दीन हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ कट्टर भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह भी है कि हैदराबाद में ही हुए जघन्य हत्याकांड के बाद, यानी कि प्रियंका रेड्डी मर्डर के बाद से संसद में अकबरुद्दीन की पार्टी लगातार चुप्पी साधे हुए है। हर मुद्दे पर काफी बेबाकी से अपनी बात कहने वाले बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में सब कुछ बोला, लेकिन हैदराबाद कांड का जिक्र तक नहीं किया। क्यों, ये समझ नहीं आया। हालांकि दोस्तों, जहां तक सवाल अयोध्या मामले का है, तो अकबरुद्दीन से पहले सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर एआईएमआई के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा चुके हैं। ओवैसी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है पर अचूक नहीं। ओवैसी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरह वो भी फैसले से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा था कि उन्हें उनकी मस्जिद वापस चाहिए। तो दोस्तों, अयोध्या फैसला आने के बाद में रिव्यू पिटीशन डाली जा रही है, और उसे लेकर लगातार जिस तरीके से दोनों भाइयों की तरफ से बयानबाजी देखने को मिल रही है, देखकर लगता है सवाल खड़े होते हैं कि यह अयोध्या का मामला जो है अभी और आगे तक जाएगा या नहीं जाएगा। आप चेकर कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल यानी कि वीके न्यूज को सब्सक्राइब न किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।